नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी साथियों के लिए है कि LIC क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है और बड़े बुजुर्ग लोग क्यों कहते हैं कि LIC कराना जरूरी है। आज की हम इस वीडियो में जाने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरे क्लाइंट है, जो भी मेरे एजेंट है, जो काम कर रहा है इस फील्ड में, उन सभी साथियों के लिए है ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। किसी भी ग्राहक को समझाना या जो एजेंट काम करते हैं, काम करते करते किसी ग्राहक बोलता है कि ये पॉइंट बोलता है, तो उनको समझाना कैसे है, आज के हम इस वीडियो में जाने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि LIC क्यों जरूरी है, LIC को क्यों इंपॉर्टेंट कहा जाता है, LIC क्यों महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आप बड़े बुजुर्ग लोग आपने सुना होगा कि LIC आपको कराना जरूरी है, इसका क्या बेनिफिट है। आज की हम स्टूडियो में जाने वाले हैं, मैं आपको रियल एग्जांपल बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आपको सच में आपको रिलेट में ये एडवाइज होगा कि सच में मेरे लिए LIC जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मुझे कोई ना कोई छोटी मोटी LIC करानी जरूरी है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत से बारीक बारीक पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सच में मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए क्यों जरूरी है LIC, ये हम आपको समझाएंगे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्यों जरूरी है इस पॉइंट को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, हर पॉइंट में वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये कहूंगा कि LIC एक लाठी है आपकी, बुढ़ापे का सहारा है एक आपका, बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि यदि आप बुढ़ापा हो गए, बूढ़े हो गए हो, तब भी आपका एक LIC करा रखी है ना, तो आपका परिवार टूटने बचा सकते हो। रियलिटी में सच में बता रहा हूँ कि मेरे परिवार के आसपास में और मेरे गांव के आसपास में भी ऐसे बहुत से जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके परिवार के जो मेंबर हैं, सभी बच्चे एक साथ एक ही घर में एक ही जगह खाना बन रहा है। अभी इस टाइम पर रिलेटिव बता रहा हूँ, किसके पावर से, सिर्फ LIC के पावर से, क्योंकि इनकी पेंशन आती है, पेंशन के आधार पे उनका घर एक मुश्त बंधा हुआ है। और आज की इस जनरेशन में, आज के इस टाइम पर रिलेटिव बता रहा हूँ कि सच में शादी होती है दूसरे तीसरे या चौथे दिन में जो अलग अलग हो जाते हैं। आज की इस टाइम पर 5 भाई 6 भाई जितने भी हैं ना, वो एक साथ एक घर में एक जगह बन के और खाना भी एक जगह बन रहा है, परिवार एक साथ खा रहा है, किसकी वजह से, LIC की वजह से। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी बात है। इस टाइम पर इस जनरेशन में अपने परिवार को एक मुश्त रखना बहुत बड़ी बात है। अभी उनकी दादी है, सिर्फ दादी रही है, बाकी जो उनके दादाजी चले गए हैं, लेकिन अभी दादी जस्ट अभी सीढ़ी से नीचे गिर गई थी। अभी 2-3 दिन 4 दिन की पहले की बात है, 4 दिन पहले जो सीढ़ी से नीचे गिर गई, उसका जो पैर फ्रैक्चर हो गया, तो उसके 6 भाई जो भी इसके बच्चे थे ना, जो 6 भाई वापिस आए, जो बाहर काम करते थे वो भी आए, और पास वाले जी सभी मिलकर उसका ऑपरेशन करवाया था। आप सोच सकते हो कि यदि अभी इस टाइम पर उनकी माँ यदि कुछ भी होता है, फ्रैक्चर होता है, तो वो एक भाई अलग होता है, तो वो दूसरा नहीं जाता तो उसकी वाइफ उसको खींच कर ले जा देती है। ये अब मैं आपको रिलेटिव में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा सच में होता है। पर आज की इस जनरेशन में अब 3-4 दिन पहले मैंने देखा है, मैंने खुद की अपनी आंखों से देखा है कि सच में वो 4 भाई 5 भाई जो जितने उसके भाई थे, वो सब मिलकर उस टाइम पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। किसकी पावर से? LIC की पावर। ये आपको एक नंगीना बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया होगा सच में LIC की पावर क्या है। उनकी पेंशन आती है ना, पेंशन जो 6 महीने में 50,000 के आसपास आती है, उनका डिवाइड होता है, फिर जितने भी भाई हैं उनको 6-6,000 के हिसाब से 10-10,000 जो मिलता है उनको दे देती है, उनकी दादी दे देती है, जिससे उनका परिवार है ना अच्छे से चलता है, इसके साथ में मजबूत बनता है और एक मुश्त जो रहता है, यही बदौलत है। और एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं यार, बहुत से जो क्या होता है कि उनके दिमाग में एक अलग चलता है फतूर कि भाई कुछ नहीं है ये LIC चक्कर में मत पड़ो, मैं उनको कहना चाहूँगा देखो मेरे हिसाब से आप मत लो, मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, आप LIC मत करवाओ, LIC बीमा मत कराओ, कहीं और लगा दो पैसा, कोई मतलब नहीं। बट यदि आप इस दुनिया में नहीं रहे तो वो पैसा आपके काम क्या रहेगा, आपके ना तो परिवार के काम आएगा ना कि और किसी के पैसे के काम आया। बहुत से लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में लगा दो, लेकिन आपकी रिस्क है, आपकी जिम्मेदारी है, 100% आप चले गए इस दुनिया से तो कोई आपका पैसा मिलने वाला नहीं है, और लॉस हो गया तब भी आपका नुकसान ही है। पर LIC में जो पैसा लगा है वो गारंटेड है, आपके परिवार को मिलेगा यदि आप नहीं रहते हो तो। इससे और अच्छा मुद्दा आपके लिए क्या हो सकता है, और जीते जी भी आप पैसा इसमें ले सकते हो, मरने के बाद भी आपके परिवार को नॉमिनी को मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब इसमें एक और बता दूं, बहुत से जो क्या होते हैं कि अब जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, यदि जो आपके परिवार में कोई है, उसके जो परिवार में दो बच्चे हैं और दोनों की शादी हो गई, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो अब उससे जो परिवार के मम्मी पापा का क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। जब उनकी पेंशन आ रही होगी भाई, सैलरी आ रही होगी, मंथली एक इनकम का सोर्स होगा, तो वो दोनों बच्चे उनके एक साथ रहेंगे, एक जगह ही होंगे, एक जगह खाना बनेगा, उनकी बहू भी आएगी ना, तो बहू भी एक साथ रहेगी,
ये रेटे में बता रहा हूँ, ये सच में है, और बड़े बुजुर्ग भी इसीलिए बोलते हैं कि भाई LIC का बीमा कराना जरूरी है। अब भी आपके दिमाग में ये नहीं बैठा है तो फिर आपकी जिंदगी बेकार है। बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, तो इसे समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, क्योंकि LIC नहीं कराने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके जाने के बाद परिवार का क्या होगा ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। आप इस दुनिया से चले जाते हो तो आपका परिवार भीख मांगने के कगार पर आ सकता है, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे ये आपको सोचना चाहिए। यदि आपकी पॉलिसी करा रखी है, LIC करा रखी है, तो आपके बच्चों को घर खर्चे के लिए, पढ़ाई के लिए अलग से LIC देती है। ऐसे ऐसे बहुत से प्लान हैं जिनको आपको देखना चाहिए, जिसको इंटरेस्ट लेना चाहिए, और LIC की कोई भी एक छोटी मोटी पॉलिसी करवा देनी चाहिए। ये कुछ मैंने आपको टिप्स दिए हैं जिनके माध्यम से आप सच में अपना पॉलिसी करवा दो। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, छोटी सही लेकिन जरूर करवाना चाहिए आपको। LIC के बहुत से ऑप्शन है, बहुत से जो प्लान है जिनके माध्यम से आप अपनी सेविंग कर सकते हो, बचत कर सकते हो, और जीते जी अपना पैसा उठा सकते हो, और मरने के बाद आपके परिवार को नॉमिनी को मिल जाएगा। इसीलिए तो LIC का जब भी कोई लोगो आता है, जब भी कोई जी जाते तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी लोग लिखा आता है। तो इसका मतलब क्या भाई, जिंदे जीते जी भी आप पैसा ले सकते हो, और मरने के बाद भी आपके पैसा का काम आएगा आपके परिवार के लिए। दोनों का ऑप्शन है, आपको सभी लोग धोखे दे सकते हैं, आपके सभी मेंबर धोखे दे सकते हैं, लेकिन LIC कभी आपको धोखा नहीं देगी। मैं आपको सच में गारंटी के साथ कह रहा हूँ, भरोसा हो तभी आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर दें। मेरे से भी कोई प्लान लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे से भी कोई LIC का कोई बीमा कराना चाहता है तो संपर्क कर सकते हैं मेरे से। तो भाई लोगों, ये थे कुछ मेरे ओपिनियन, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि आपको कोई भी LIC का कोई प्लान चाहिए आपको, तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर मैसेज कर देना, आप बता देना, मैं वहाँ से आपके आके पॉलिसी करवा दूंगा। तो आप इंटरेस्टेड हो तो पॉलिसी आप मेरे से भी बाय कर सकते हो। फिर मिलता है नए वीडियो के साथ में, नए किसी टॉपिक के साथ में। तो बाय बाय, चाहिए वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।